ए प्लस बी अनुपाति बी प्लस सी अनुपाति सी प्लस ए इज इक्वल 6:7:8 तथा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 14 हो तो सी का मान क्या होगा, आइए सॉल्व करते हैं। अगर हमको अनुपात दिया होता है तो हम ईच क्वांटिटी की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करते हैं, ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं 6 के, बी प्लस सी को लिख सकते हैं 7 के एंड सी प्लस ए को लिख सकते हैं 8 के। अगर हम इसको ऐड करें ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए तो हो जाएगा 6 + 7 = 13 + 8 = 21 के। तो यहाँ से आज आएगा और इसकी वैल्यू इसको ऐड करेंगे 2 × a + b + c = 21 के। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको गिवेन है 14, तो लिख देंगे 2 × 14 / 21 = k। 7 × 3 = 7 × 2 = 14 तो k का मान हमको मिलता है 4/3। और हमको पता है a प्लस बी बराबर 6 के, तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं 6 × 4/3, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8। तो यहाँ से c को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14, 14 − 8 = 6, 6 इज़ माई फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।